हेलो दोस्तों, वालेकुम, वेलकम टू चैनल ऑफ आपके दानिश और आप देख रहे ब्लॉग्स। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के साइन बोर्ड के बारे में। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई जो बोर्ड होते हैं, जो बोर्ड आप लोग ने अक्सर देखे होंगे हाईवे पर, बोर्ड होते हैं हरे कलर के, नीले कलर के, पीले कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, तो ये कलर का क्या मतलब होता है? तो देखो, इसका बहुत डीप मीनिंग है, लेकिन मैं इसको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा डीप जाऊंगा तो घंटे ऊपर की वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको एकदम आसानी से समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और बहुत ही ज़रूरी भी है, नहीं भी ज़रूरी है। जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे कि मैं एक नया बंदा हूँ, तो ये कलर का मुझे तकलीफ होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो इतना सीख चुके होते हैं उस चीज़ के बारे में कि उनको आग बंद करके भी गाड़ी चलाएंगे ना तो अपने डिस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर वो यहाँ चल रहे हैं तो उनको अपने डिस्टिनेशन पर बिना मैप के आग बंद कर पहुँच जाएंगे। और जैसे कि हम नए हैं तो हमको वो कलर बहुत ही ज़रूरी है जानना, तो आज हम इस वीडियो में वो कलर के बारे में बात करेंगे। तो इससे थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगी और आपको थोड़ा जानकारी मिलेगी यहाँ के बारे में, क्योंकि आप लोग जैसे कि हम लोग इंडिया में गाड़ी चलाते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते क्या साइन बोर्ड है, कितनी स्पीड है, क्या लिमिट है, हम लोग बस अलातूल चलते रहते हैं। लेकिन आज यहाँ अब आप अगर सऊदी अरेबिया आएंगे तो यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वरना आपके ऊपर फाइन आ जाएगा, मुखालफा आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन साइन बोर्ड के बारे में, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दें और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो पहले बात करते हैं नीले कलर के बोर्ड की। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर हाईवे पर देखा होगा नीले कलर का बोर्ड, उसमें लिखा होता है ये शहर इतने किलोमीटर दूर है, ये शहर इतने किलोमीटर दूर है। तो नीला कलर का बोर्ड कहाँ होता है? नीला कलर का बोर्ड आपको अक्सर हाईवे पर मिलेगा जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाता है। इस हाईवे पर जो बोर्ड होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है नीले कलर के अंदर एक बॉक्स बना होता है वाइट कलर का या फिर पीले कलर का, उस पर जो लिखा होता है उसका क्या मतलब है? अगर बोर्ड पर पीले कलर का बॉक्स बना है, नीले कलर के ऊपर पीले कलर का बॉक्स बना है, उसमें कुछ लिखा है, तो इसका मतलब है अगर आप को उस जो लिखा है उसके अंदर शहर के अंदर कोई चीज़ लिखी है, तो अगर आपको वहाँ पर जाना है तो उस पीले कलर का मतलब होता है आप स्लो हो जाएं। अगर आप हाईवे पर हैं तो उसका मतलब होता है आप स्लो हो जाएं, आपको यहाँ से एग्जिट लेना है। तो जैसे कि मैं आपको एक साइन बोर्ड दिखाता हूँ, इसमें देख लीजिए नीले में पीला बना होगा। तो आप इस बोर्ड में देख सकते हैं इसमें दो कलर यूज़ करे गए, जिसमें कि नीले में हरा बॉक्स बना है प्लस पीला बॉक्स बना है। तो आपको ये जानना है कि हरा बॉक्स जो बना है इसका क्या मतलब है? हरे बॉक्स के अंदर वाइट कलर से लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये जो हरे बॉक्स के अंदर नाम लिखा है ये इसी शहर में है, ये एरिया इसी शहर में है। और जो नीले के ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये एरिया शहर से बाहर है, हरे के अंदर जो लिखा है वो एरिया इसी शहर के अंदर है, और जो नीले के ऊपर लिखा है वो इस शहर से बाहर है। तो देख लीजिए हरे के नीचे जो पीला कलर का बोर्ड बना हुआ है उसका मतलब है कि यहाँ से एग्ज़िट लेना है इस एरिया में जाने के लिए, और एग्ज़िट लेने से पहले आपको स्लो होना पड़ेगा। पीले कलर का मतलब होता है कि आपको चेतावनी दी जा रही है कि स्लो हो जाएं। इस बोर्ड पर देख सकते हैं नीले बोर्ड के ऊपर वाइट बॉक्स है, बॉक्स में ब्लैक कलर से लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये हाईवे से हाईवे अलग हो रहा है, तो इस पर आप स्लो नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ से आपको एग्ज़िट लेना है। तो ये जो नीला बॉक्स बोर्ड है ये आपको सिर्फ हाईवे पर ही दिखेगा, और जब येलो दिखे तो आपको स्लो होना है, या फिर अगर वाइट दिखता है तो आप स्लो नहीं होंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फ़ोटो देखिए आप, इसमें देखिए पूरे बोर्ड हरे हैं, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन दी जा रही है, जबकि मैंने आपको बताया कि सारे बोर्ड जो होते हरे वो शहर के अंदर ही पाए जाते हैं। अब इसमें डायरेक्शन दी जा रही है, आपको यू टर्न लेना है तो सीधे जाएँ, आपको राइट जाना है तो आगे से राइट लें, या फिर नीचे जाना है तो लेफ़्ट वाली पट्टी में रहें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हरा बोर्ड जो होता है वो शहर के अंदर होता है, लेकिन हरे बोर्ड के ऊपर भी येलो कलर की बॉक्स बने होते हैं, तो उसका मतलब भी होता है कि आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना है, स्लो हो जाइए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड। अब ये बोर्ड देख सकते हैं आप लोग, ये इसी शहर का बोर्ड है, रियाद का बोर्ड है। तो आप देख सकते हैं इसमें बता रहा है कि अगर आपको किंग
फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम जाना है तो तीनों लेन से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अबू बकर सिद्दीकी रोड पर जाना है तो राइट हैंड साइड पर रहें और स्लो हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं रेड बोर्ड की, जो कि बहुत ही वो है। रेड का मतलब होता है डेंजर। यहाँ पर आपको डेंजर का मतलब ये नहीं है कि आपको रुकना नहीं है या फिर चलते रहना है। डेंजर का मतलब होता है यहाँ से आपको एकदम सावधान हो जाना है। रेड बोर्ड जहाँ जहाँ पर आता है, जैसे कि आपको कहीं पर रेड बोर्ड दिखा, रेड बोर्ड के अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, तो उसका मतलब है आपको सावधान होना, यहाँ पर खतरा है। खतरे का मतलब जैसे कि रेड बोर्ड कहाँ दिखता है, कॉर्नर पर दिखता है। जैसे कि आप जा रहे हैं, सामने कोई रोड आने वाली है तो कॉर्नर पे वो बोर्ड दिख जाएगा। अब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है या फिर स्लो होने के लिए लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है आगे रोड बंद है, तो रेड बोर्ड के अंदर होगी। तो आपको दिखा देते हैं, साइन बोर्ड होते हैं कुछ, इन साइन बोर्ड को देख के आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। तो पहला साइन ये है स्टॉप का, रेड बोर्ड के अंदर स्टॉप लिखा हुआ है, तो ये आपको मिलेगा रोड के कॉर्नर पर। इसका मतलब होता है आपको यहाँ पर रुकना ही रुकना है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपके साथ दुर्घटना होने के चांसेस हैं। अब इस साइड बोर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो रोड जा रही है सीधे, इसमें आगे से दो रोड मिली है, एक राइट जाएगी एक लेफ्ट जाएगी, तो इस बोर्ड का मतलब ये है। अब इन सारे बोर्ड्स पे तो आप साइन समझ सकते हैं देख के, लेकिन मैं आपको जो बीच में आप साइन देख रहे हैं जिसमें रेड के अंदर माइनस बना हुआ है, इसका मैं मतलब बता दूं। ये अक्सर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि रोड के एकदम शुरुआत में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप इस रोड पर गाड़ी लेके इंटर नहीं हो सकते हैं। बाकी तो आप सारे साइन समझ जाएंगे, पहला जो है वो साइन का है, ये है स्टॉप होने का, और दूसरा जो साइन है तिकोना जो है ये नीचे को बना हुआ है, इसका मतलब है कि जो खतरा है यहीं से चालू है। उसके बाद जो ये साइन है इसका मतलब है कि ये वन वे है, सिर्फ आ सकते हैं जा नहीं सकते। उसके बाद जो अगला साइन है इसका मतलब है कि आप इसके अंदर इंटर ही नहीं हो सकते। उसके बाद आपको बताया कि माइनस वाला है, इसमें आप इंटर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो ये साइन है इसका मतलब है कि आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हैं। इसके बाद जो साइन है दो नीचे लेफ्ट एंड राइट वाले, उसमें उसका मतलब है कि ना ही आप लेफ्ट जा सकते हैं, और दूसरे वाले में साइन है कि आप यहाँ से राइट नहीं जा सकते हैं। तो रेड का मतलब होता है खतरा। आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर आपको एक गलत कदम आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। उसके बाद अगला बोर्ड का कलर आता है ब्राउन। ब्राउन कलर आप लोगों ने बहुत ही कमी देखा होगा, लेकिन ब्राउन कलर जो होता है ये ब्लू हाईवे पर जो होगा उस पर भी होगा और ग्रीन पर भी होगा। बोर्ड के ऊपर, ग्रीन बोर्ड के ऊपर होगा अक्सर ब्राउन कलर का बॉक्स होगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखा होगा। तो ब्राउन कलर का मतलब क्या होता है? ब्राउन कलर का एक एकदम अलग ही मतलब है। इसका मतलब होता है कि ये कुछ हिस्ट्री को दर्शाता है, जैसे कि कहीं पर कोई फोर्ट है, किला है, तो इस ब्राउन कलर के अंदर ही लिखा होगा कि ये किला यहाँ पर है और यहाँ पर जाने के लिए किस लेन पर चले, पहले में चले, दूसरे में चले या फिर एग्जिट लें। तो आप लोग जब यहाँ पर आएंगे सऊदी अरेबिया में किसी भी जगह पर आएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर मैं, यहाँ पर एक जो हिस्टोरिकल जगह है उसको बोलते हैं दरिया, तो उसको जाने के लिए जब दरिया लिखा होता है तो वो ब्राउन बॉक्स के अंदर ही लिखा होता है। तो आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल जगह पर जाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं। तो ब्राउन कलर जो है ये दर्शाता है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जगह को। तो आई होप ब्राउन कलर का आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर किस चीज को दर्शाता है? तो आपको कुछ सिम्बल्स दिखाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोग को। आप लोग इन सारे बोर्ड्स के साइंस को देख लीजिए, आपको क्या सिमिलर लग रहा है आप देखिए, उसके बाद बताइए। मैं बताता हूँ आप लोग को क्या सिमिलर है इसमें। ये जो साइंस है आप इनको देखिए, ये जो आप लोग अक्सर रोड पर देखते होंगे, इंडिया में तो बहुत कम ही यूज़ होते हैं लेकिन यहाँ पर अक्सर यूज़ होते हैं। इनका मतलब है कि ये टेम्पररी साइन है। इनका मतलब है कि यहाँ पर रोड पर काम चल रहा है, या फिर आप राइट नहीं जा सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट नहीं जा सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए रोड बंद करी गई है, आपको राइट जाके आगे से फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये कलर के जो साइन है ये टेम्पररी होते हैं, ये हमेशा परमानेंट के लिए नहीं होती है। तो एक महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए, दो महीने के लिए टेम्पररी, इसको भी टेम्पररी बोलते हैं।
रोड तो भागने वाली है नहीं, रोड तो वहीं पर रहेगी ना। इसलिए इन साइंस का मतलब होता है कि रोड पर काम चल रहा है, फिर कोई वजह से रोड बंद करी गई है, या फिर कोई भी बात है। तो आप देख लीजिए, ऑरेंज कलर का साइन का मतलब होता है टेम्पररी। आपको मैंने ब्लू बता दिया, ग्रीन बता दिया, येलो बता दिया और ब्राउन बता दिया। अभी है लास्ट जो कि है व्हाइट। व्हाइट का क्या मतलब है? व्हाइट कलर का बोर्ड कहाँ होता है और ये क्यों यूज होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो वैसे तो दो कलर और है लेकिन वो बहुत कम ही यूज होते हैं। पिंक कलर आपने कभी देखा नहीं होगा साइन बोर्ड, तो वो सब रहने दे वरना ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी बताते हैं आप लोग को व्हाइट कलर कहाँ पर मिलता है और क्यों यूज होता है। तो व्हाइट कलर का जो बोर्ड होता है ना, वो उस एरिया के बारे में दर्शाता है। जैसे कि आप किसी एरिया में हैं, तो इस एरिया के बारे में ये व्हाइट कलर का बोर्ड आपको बताएगा कि ये एरिया कैसा है, इस एरिया के बारे में, ये एरिया में क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर किसी बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये लिखा हो सकता है कि ये एरिया में क्या है, इस एरिया के बारे की कुछ खासियत लिखी हो सकती है, या फिर उस एरिया के बारे में आपको कुछ साइन दिखाते हैं। तो इस साइन का मतलब है कि आप इस एरिया में गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्क करते हैं तो आपकी गाड़ी टो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद इस बोर्ड, साइन बोर्ड का मतलब है कि आप इस एरिया में गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर ओवरटेक करेंगे तो आपके ऊपर मुखालफा आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये छोटी रोड होगी या फिर किसी भी वजह से हो सकता है। उसके बाद अगला साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड का मतलब है कि आपको अगर साइकिल चलानी है तो सिर्फ रोड पर ही चलाइए, ना कि फुटपाथ पर। फुटपाथ पर साइकिल चलाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, किसी को लग सकती है, जो भी है। तो साइन बोर्ड का मैं मतलब बता रहा हूँ, क्या है क्या नहीं वो नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अक्सर इस साइन बोर्ड आप लोगों ने देखे होंगे स्पीड लिमिट के, लेकिन ये वाइट कलर का स्पीड लिमिट का मतलब है कि इस एरिया में आपको स्लो चलना है। बाकी कलर्ड स्क्रीन बोर्ड जो होते हैं, साइन बोर्ड जो होते हैं, उसका मतलब है कि हाईवे पर स्लो चलना है, लेकिन व्हाइट कलर का मतलब है कि इस एरिया में स्लो चलना है। तो जैसे कि आप लोग को मैंने समझाया व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर का मतलब होता है कि उस एरिया में वो चीज नहीं करनी है जो चीज मना की गई है। तो व्हाइट कलर का मतलब होता है, व्हाइट कलर उस एरिया के बारे में दर्शाता है कि इस एरिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, उस एरिया के बारे में बताता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो लेके, मतलब कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो लेके आऊँगा। जैसे कि ये किसी भाई ने कमेंट किया था तो ये वीडियो उनका पहुँच जाए काश, अब वो भाई ने कमेंट किया तो कम से कम उनके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आप भाई ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई ऐसा कोई कमेंट है जिसके बारे में आपको कुछ समझना है वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। सो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनको यहाँ पर क्लिक करके आप और वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ के हाईवे के बारे में, यहाँ के रूल्स के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो जाइए फटाक से देखिए और दुआ में याद रखिए।